देखिए दोस्तों, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है। इसमें भी हमको समीकरण को हल करना है और हमें इसमें भी क्या किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण को हल करना है तो हमें ये साइन स्क्वायर है उसको कॉस स्क्वायर में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी ये समीकरण हल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से क्या होगा, आप देखिए यहां से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर क्या है, नेगेटिव है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर आएगा तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस टू। देखिए ये वन इधर किसमें है, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया जीरो के बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने से क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस थ्री कॉस थीटा, दो में से एक घटाया तो कितना आ गया, प्लस का वन इज इक्वल टू आ गया जीरो। देखिए अब ये हमारे पास एक समीकरण बन चुका है, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण बन गया है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग मान सकते हैं cos theta इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो इससे क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें एक ऐसी संख्या खोजना है जिसके जिसे गुणा करने पर आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, दो गुणित एक, यानी कि होना चाहिए दो के बराबर, ठीक है। देखिए दो गुणित एक दो के बराबर होना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का तीन, ठीक है। अब हमें एक ऐसी संख्या खोजना है जिसे गुणा करने पर दो गुणित एक दो आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का तीन, ठीक है। तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं या फिर इसको तोड़ के लिखना पड़ता है हम लोग को माइनस थ्री को। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इससे ऐसी संख्या कौन कौन सी है, संख्या कौन सी होगी हमारे पास, संख्या होगी माइनस टू और माइनस वन, ठीक है। संख्या कौन सी होगी, माइनस टू और माइनस वन। तो फिर देखिए माइनस टू और माइनस वन का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का टू, और माइनस टू और माइनस वन को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, माइनस का थ्री आएगा, ठीक है। माइनस वन और माइनस टू को जोड़ने पर आएगा माइनस का थ्री, और टू और वन का गुणा करने पर, टू और वन का गुणा करने पर आएगा टू। देखिए माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस का टू हो जाता है। अब क्या करूंगा मैं, अब इस संख्या को तोड़ के लिखना रहता है। हम लोग जब वर्ग समीकरण में हल करते थे तो ये बीच वाले का गुणनखंड करके लिखते थे, ठीक है। तो वैसे लिखूंगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स और क्या आएगा, माइनस का एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से जोड़ी बनाना पड़ता है हमको, जोड़ी बना के क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते हैं। तो यहां से क्या निकलेगा, टू एक्स कॉमन निकलेगा, बचेगा कितना, एक्स माइनस वन, ठीक है, बचेगा कितना, एक्स माइनस वन। यहां से देखिए ये प्लस है, इसका मतलब यहां बस दो माइनस लगा हुआ है, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए एक माइनस को यहां से कॉमन निकाल लिया, ठीक है, माइनस वन को कॉमन निकाल लिया, तो एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। देखिए जब भी कोई संख्या से हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं तो उसका चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्लस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखिए प्लस वाला किसमें हो गया, माइनस में, और माइनस वाला किसमें हो गया, प्लस में। देखिए क्योंकि एक्स माइनस था तो ये पॉजिटिव एक्स हो गया। अब क्या हो सकता है हमारे पास, यहां से हम लोग लिख सकते हैं टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है। देखिए ये x और ये x क्या हो गया, कॉमन निकल गया, तो x माइनस वन हो गया और 2x माइनस वन क्या हो गया, कॉमन निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से हल करने से 2x माइनस वन इज इक्वल टू हो गया जीरो और x माइनस वन इज इक्वल टू हो गया जीरो, ठीक है। तो यहां से x का मान कितना आएगा, देखिए ये माइनस से उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और ये टू इधर
गुणा में है तो उधर जाएगा तो जाएगा भाग में, ठीक है। और देखिए यहां से क्या आएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा वन, ठीक है। अब देखिए x को हम लोग क्या माने थे, cos थीटा माने थे, तो cos थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा का मान होता है वन बाई टू, ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है वन, ठीक है। तो देखिए थीटा का किस वैल्यू के लिए cos का मान वन होता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है, हमको टेबल याद है। साइन थीटा का टेबल क्या होता है, जीरो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, और क्या था 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या था, जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू और क्या था वन। तो कॉस का टेबल कैसे बनता है, इसके ऑपोजिट वन, अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है, वन बाई रूट टू और क्या होता है वन बाई टू और क्या होगा जीरो। कॉस वन कितने में आता है, जीरो डिग्री में, यहां पर क्या होगा थीटा इक्वल टू कौन सा डिग्री होगा, जीरो डिग्री होगा, ठीक है। और यहां पर देखिए कॉस 60 में क्या कितना होता है, वन बाई टू होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस 60, और लिखेंगे हम लोग यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहले जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको हमको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, देखिए इसको रख दिया, इसके बाद क्या किया इसको पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर क्या होगा ये cos स्क्वायर थीटा इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और ये माइनस 3 cos थीटा तो वही रहेगा, ये 2 और 1 देखिए 2 माइनस एक कितना होगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया x हो गया, और 2x स्क्वायर, देखिए cos थीटा को क्या माना मैं, माना cos थीटा इज इक्वल टू x। अब ये हमारे पास वर्ग समीकरण बन चुका है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, ऐसी संख्या जो गुणा करने पर आना चाहिए 2 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 3, तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी, माइनस का 2 और माइनस का 1 है, तो इसको क्या करते हैं गुणनखंड विधि बोलते हैं, और गुणनखंड में हम लोग बीच वाले पद को तोड़ के लिख देते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया माइनस का 2x माइनस का x, तो कितना हो गया 2x x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।